हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम। एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 30 जून 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ फाइल है saragyan.com वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट, एडमिट कार्ड, रिजल्ट तथा डिफरेंट एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर तथा सिलेबस अवेलेबल हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल के अतिरिक्त प्रभार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे लालजी टंडन, वो इस समय बीमार चल रहे हैं, जिसकी वजह से उनके स्थान पर अतिरिक्त प्रभार के रूप में नियुक्त किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये हैं उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। इन्हीं को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, क्योंकि जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे लालजी टंडन, वो इस समय बीमार चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। राजधानी है लखनऊ, जो लखनऊ शहर है गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ से लोकसभा सांसद हैं भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अब आपको लखनऊ से 5 संस्थानों के नाम याद रखने हैं। ये संस्थान कौन कौन से हैं? सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक NBRI, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो साइंस। ये जो 5 संस्थान हैं IISR, CDRI, NBRI, सिडबी, इन सभी का मुख्यालय है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। भारत का पहला जो ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, यह बनेगा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में। कुशीनगर का जो हवाई अड्डा है, इसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। देश का जो पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय है, यह भी बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा शहर में। तो इतने क्वेश्चन आपको उत्तर प्रदेश राज्य से याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है। तो जो 2023 का फीफा महिला विश्व कप है, यह संयुक्त रूप से 2 देशों में खेला जाएगा। कौन कौन से देश? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन होगा। जो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2020 है, इसका आयोजन नवंबर महीने में भारत में होना था, जिसको कोरोना महामारी के कारण टाल दिया गया। अब ये अगले साल 2021 में खेला जाएगा। जो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप है, ये भारत के 5 शहरों में खेला जाएगा। कौन कौन से शहर हैं? कोलकाता, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, अहमदाबाद और नवी मुंबई। फीफा जो कि फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय गवर्निंग बॉडी है, फीफा का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में। फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। पुरुष फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किया जाएगा कतर देश में, जबकि इसके 4 साल बाद 2026 में पुरुष फीफा विश्व कप का आयोजन किया जाएगा 3 देशों में। कौन कौन से? कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका। तो इतने क्वेश्चन आपको फीफा से याद रखना है। अब आपको कुछ आगामी खेल प्रतियोगिताओं के नाम याद रखना है, जैसे 2022 स्विमिंग विश्व चैंपियनशिप जो कि जापान के फुकुओका शहर में खेला जाएगा, 2020 समर ओलंपिक जिसको टाल दिया गया महामारी के कारण, अब यह 2021 में खेला जाएगा जापान के टोक्यो शहर में, 2022 वर्ल्ड गेम्स खेले जाएंगे अमेरिका के बर्मिंघम शहर में, 2021 बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियंस खेला जाएगा स्पेन देश में, 2021 पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन होगा सर्बिया देश में, 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स खेले जाएंगे यूके के बर्मिंघम शहर में, 2022 विंटर ओलंपिक खेल होंगे चीन के बीजिंग शहर में, और 2022 के एशियन गेम्स होंगे चीन के हांगजाऊ शहर में, 2022 फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन होगा कतर देश में, और 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला जाएगा भारत में।
2023 का पुरुष हॉकी विश्व कप होगा भारत के उड़ीसा में और 2022 में महिला हॉकी वर्ल्ड कप होगा स्पेन और नीदरलैंड दो देशों में और 2023 का रग्बी वर्ल्ड कप खेला जाएगा फ्रांस देश में और जबकि 2023 का बास्केटबॉल वर्ल्ड कप खेला जाएगा फिलीपींस जापान और इंडोनेशिया देश में। तो ये हैं कुछ आगामी खेल प्रतियोगिताएँ जिनके नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हर साल राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी कि नेशनल स्टैटिक्स डे कब मनाया जाता है? तो भारत में हर साल राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। अब हम जानते हैं कि 29 जून को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 29 जून 1993 में भारत के एक महान सांख्यिकीविद और वैज्ञानिक का जन्म हुआ था। इनका नाम है प्रशांत चंद्र महाल नोबिस। इन्हीं के नाम पर हर साल भारत में मनाया जाता है 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। वर्तमान में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो जो माइकल मार्टिन है ये हाल ही में आयरलैंड देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं माइकल मार्टिन जो कि आयरलैंड देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आयरलैंड देश जो कि यूरोप महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी है डबलिन और यहाँ की मुद्रा है यूरो। अब आपको एक क्वेश्चन याद रखना है आयरलैंड देश से जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, जो हमारे संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि DPSP राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं, ये लिए गए हैं आयरलैंड देश से। जो हमारे संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं ये आर्टिकल 36 से 51 के बीच हैं और पार्ट 4 में दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, जो देश के संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं ये लिए गए हैं आयरलैंड देश से और 21 आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं, तो DPSP आते हैं आर्टिकल 36 से 51 के बीच। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है जो आयरलैंड देश है ये अलग देश है, एक स्वतंत्र देश है, जबकि नॉर्दर्न आयरलैंड यानी कि उत्तरी आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है जिसकी राजधानी है बेलफास्ट और यहाँ की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। तो ये दोनों देश अलग अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल में पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो हाल ही में पंजाब की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बनी है विनी महाजन, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं पंजाब राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव विनी महाजन। अब मुख्य सचिव क्या होता है, तो किसी भी राज्य का जो सबसे बड़ा प्रशासनिक पद होता है वो होता है मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी का। पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, राज्यपाल हैं बीपी सिंह बदनौर, राजधानी है चंडीगढ़। जो चंडीगढ़ राजधानी है 3 राज्यों की राजधानी है, चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है, चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है और चंडीगढ़ की भी राजधानी चंडीगढ़ है क्योंकि चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। हाल ही में पंजाब सरकार ने COVID-19 के समुदाय प्रसार यानी कि कम्युनिटी स्प्रेड की जांच करने के लिए घर घर निगरानी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इसके अलावा पंजाब राज्य ने COVID-19 में के बारे में लोगों को जागरूक बनाने के लिए मिशन फतेह भी शुरू किया है। जो गोल्डन टेंपल है, स्वर्ण मंदिर है, ये स्थित है पंजाब राज्य के अमृतसर शहर में जिसको बनवाया था गुरु रामदास जी ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में गीता नागभूषण का निधन हुआ है, आपको बताना ये कौन थी? गीता नागभूषण जो कि एक महान लेखिका थी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं लेखिका गीता नागभूषण जो कि कन्नड़ भाषा की एक लेखिका थी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस भारतीय अंपायर को ICC के अंपायरों के एथलीट पैनल में शामिल किया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट समिति के अंपायरों के एथलीट पैनल में शामिल किया गया है भारत के नितिन मेनन को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं नितिन मेनन जो कि इंदौर मध्य प्रदेश से हैं, इन्हीं को हाल ही में ICC के अंपायरों के एथलीट पैनल में शामिल किया गया है।
ICC जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो कि क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय गवर्निंग बॉडी है। इसका मुख्यालय है संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में। वर्तमान में ICC के चेयरपर्सन है शशांक मनोहर, CEO है मनु साहनी। 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला जाएगा भारत में। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 28 जून से 22 जुलाई 2020 तक संकल्प पर्व मनाया जा रहा है। तो जो संकल्प पर्व है ये 28 जून से 22 जुलाई 2020 तक मनाया जा रहा है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, कल्चर मिनिस्टर के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर भी। अब हम जान लेते हैं कि संकल्प पर्व का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है लोगों को कार्यालय या उनके आसपास या जहाँ भी संभव हो वहाँ पर 5 पेड़ों को लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, जिससे कि देश स्वच्छ रहे और स्वस्थ वातावरण बना रहे। इन 5 पेड़ों में मुख्य रूप से बरगद, आंवला, पीपल और अशोक तथा बेल के पेड़ों को लगाने की बात कही गई है। तो आपको याद रखना है संकल्प पर्व को मनाया जा रहा है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, जिसका उद्देश्य है लोगों को अपने आसपास 5 पेड़ों को लगाने के लिए प्रेरित करना। और वर्तमान में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस तेल और गैस कंपनी ने बैटरी स्वीपिंग सुविधा क्विक इंटरचेंज सर्विस QIS नामक एक नई तकनीक लॉन्च की है। तो क्विक इंटरचेंज सर्विस को लॉन्च किया गया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है भी। अब हम जान लेते हैं कि ये बैटरी स्वीपिंग सुविधा क्विक इंटरचेंज सर्विस QIS क्या है। तो इसका उद्देश्य है देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करना। जिस प्रकार से डीजल और पेट्रोल गाड़ियों के लिए पेट्रोल पंप होता है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए होगा बैटरी स्वीपिंग सुविधा स्टेशन, जिसे हम क्विक इंटरचेंज सर्विस के नाम से जानेंगे। और इसको शुरू किया गया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ये किस शहर में लॉन्च किया गया है, तो ये सबसे पहले लॉन्च किया गया है चंडीगढ़ शहर में। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है भारत के पेट्रोलियम मंत्रालय के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। इंडियन ऑयल जो कि एक महारत्न कंपनी है, जिसके CEO हैं, अध्यक्ष हैं संजीव सिंह, मुख्यालय है नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में आसियान शिखर सम्मेलन 2020 को किस देश के द्वारा होस्ट किया गया। तो हाल ही में आसियान शिखर सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता की गई है वियतनाम देश के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। और इस साल का जो आसियान शिखर सम्मेलन 2020 था, इसका थीम था कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान। और ये जो समिट था वर्चुअली, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई थी। अब हम जान लेते हैं कि आसियान क्या है। तो आसियान एक फोरम है जिसका पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में और आसियान का मुख्यालय है इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में। आसियान देशों में टोटल 10 देश आते हैं। ये 10 देश कौन कौन से हैं, तो इसमें 10 देशों में आता है ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लायोस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। यहाँ पर आपको ध्यान देना है आसियान देशों का मेंबर देश भारत नहीं है, लेकिन आसियान देशों का डायलॉग पार्टनर देश है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है आसियान देशों का भारत मेंबर देश नहीं है। इसमें 10 देश आते हैं, ये जो आपके सामने लिखे हुए हैं। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में ई पंचायत पुरस्कार 2020 को किस राज्य को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर अभी तक आप हमारे वेबसाइट saraagyan.com पर विजिट नहीं किए हैं तो इसको ज़रूर विजिट कीजिएगा, जहां पर आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट, एडमिट कार्ड, रिजल्ट तथा डिफरेंट एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर तथा सिलेबस अवेलेबल हैं। और जल्द ही हम यहां पर फ्री टेस्ट सीरीज भी लाने वाले हैं, तो आप इस वेबसाइट पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।